हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऊन से बना हुआ डोरमेट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए आइए हम इसे बनाना सीखिए। मैंने 30 फिंदे डाले हैं। मैं डोरमेट बनाने जा रही हूँ डिजाइनदार। इस तरह से इसको मैं एक सिलाई पूरी इसी तरह से उल्टी बिन जाऊँगी। उधर से भी उल्टी निकाली मैंने, इधर से भी उल्टी निकाल लूँगी। उधर से मेरी सीधे साइड से डिजाइन पड़ेगी। ये देखिएगा, मैंने दो सिलाई निकाल ली हैं। अब मैं इधर से एक फिंदा इस तरह से बढ़ा लूँगी। आपको बताया भी है इस तरह से मैंने बढ़ाना। इधर से मैं अंटा लगाऊँगी इस तरह से। ये हमारी डिजाइन पड़ने लगी है। ये सारे अंटे हम इसी तरह से कर लेंगे। एक एक फिंदे पे दो दो अंटे चढ़ा लूँगी इस तरह से सीधी सिलाई पे। ये देखिएगा, मेरे पास 3 फिंदे बचे हैं। एक को मैं सीधा बिन लेती हूँ और इनको इस तरह से 2 का 1 कर देती हूँ इधर साइड से। मेरी उल्टी सिलाई देखिएगा, उल्टी सिलाई में डिजाइन पड़ती है। ये 2 फिंदे सीधे रहेंगे। ऐसे कर लिया इनको, अंटों को निकाल के फिर आगे साइड धागा करके इस तरह से, फिर इस तरह से एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक सीधा। इस तरह से ये डिजाइन बनेगी। ये सीधी साइड पे हमारा ये धागा रहेगा। फिर 3 हम उधेल लेंगे इस तरह से, फिंदों का अंटन निकाल लेंगे इस तरह से। सीधा लिया, फिर उल्टा लिया, फिर सीधा लिया। इसी तरह से ये हमारी पूरी डिजाइन बनती जाएगी। ये देखना, 3 अंटे मैंने निकाल लिए इसके, 3 फिंदों का। अब मैं सीधे तरफ से, ये उल्टे तरफ से, ये सीधे तरफ से, और सीधा सीधा ही रहेगा उधरी साइड का धागा। ये देखिए, मेरी डिजाइन बन गई है। अब मैं सीधी सिलाई निकाल दूंगी। ये सीधे पे अंटा चढ़ाए जाते हैं, उल्टी सिलाई पे अंटा निकाल के 3 का 3 ही बनाए जाते हैं। इस पर मैं एक फिंदा बढ़ाऊँगी, इसको उल्टा बिनूंगी। अब मैं सारे फिंदे इस तरह से सीधे सीधे बिन लूंगी। उधर हम साइड पे 2 फिंदे का 1 कर दूंगी। ये देखिए, मेरी डिजाइन बनके तैयार हो गई है। अब मैं धागा चेंज कर दिया है। इस तरह से इसको उल्टा ले जाएंगे, उधर से भी उल्टे ही निकालेंगे। तो हम 4 सिलाई इसी तरह से निकाल लेंगे। फिर हम डिजाइन आगे इसी कलर से डालेंगे। ये देखिए, मैं उल्टा बिन रही हूँ। ये डिजाइन सीधे में पड़ती है और फिर ये 4 सिलाई में उल्टी उल्टा कर लेती हूँ। उधर से 2 उल्टी, इधर से। ये देखिएगा ध्यान से, इन फिंदों को हम सीधी सिलाई में यहाँ पे 2 का 1 करनी है। चाहे डिजाइन डाल के बनाओ, चाहे सादा ये वाली बनाओ, और इधर साइड से एक फिंदा बढ़ाना ही बढ़ाना है। इसी तरह से हमारी 6 कलियाँ बनेंगी और 4 लाइनें हम इसकी डालेंगे ग्रीन की, और पीले की 5 डालेंगे डिजाइन वाली। इसी तरह से बनके हमारी कली कंप्लीट हो जाएगी। जिस तरह से हमने देखिएगा जे नीचे जे डिजाइन बनाई थी, उसी तरह से ऊपर डिजाइन बनती जाएगी। लास्ट में हम फिंदे सारे घटा देंगे और ये 6 कलियाँ बनेंगी डोरमेट के लिए। और ऊपर जो हम कली बनाएंगे उसको मैं बताने जा रही हूँ। ये देखिएगा, 2 कली बन गई हैं। इस तरह से हम जोड़ने जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं किस तरह से ये जोड़ा जाएगा। इस तरह से फिंदा हमें 30 लेने हैं एक साइड से। एक साइड से 30 लेने हैं और उधर साइड से भी 30 लेने हैं दूसरी वाली कली से। इस तरह से हम फिंदे भर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, मैंने 30 फिंदे भर लिए हैं इधर से। अब मैं इधर से 30 फिंदे इस वाली कली से भरूँगी। इसको यहीं से जोड़ेंगे जहाँ से ये नुकीला है।
गिनते जाइएगा एक दो करके, 30 फिंदे बनने हैं मुझे इसी तरह से जिस तरह से हमने इधर साइड से भरे थे। देखिए मैंने सारे फिंदे भर लिए हैं, इधर 30 भर लिए, इधर की साइड पे भी 30 भर लिए हैं। ये दो कलियाँ मेरी जुड़ गई हैं इसी में, और नीचे हम कलियों को सिल देंगे। ये हमारी उल्टी सिलाई जाएगी पूरी, इसी तरह से उल्टी जाएगी पूरी। उल्टी सिलाई मैं निकाल चुकी हूँ। अब देखिएगा दो फिंदे मैं इधर से 2 का 1 कर दूंगी, ये चैन मेरी बनती जाएगी। और मैं इसको उल्टा ही उल्टा बिनूंगी, बीच में भी चैन पड़ेगी। ये देखिएगा मैं गले वाली जो चैन गले पे बनाते हैं स्वेटर में, वो वाली यहाँ पे चैन चलेगी इस तरह से। और भी हमने उनमें बता रखा है पैरदानों में, इसी तरह से बनेगी। इधर हम 2 फिंदे कम कर देंगे, 2 का 1। इस तरफ भी साइड साइड हमारी चैन चलेगी और बीच में चैन चलेगी, तब हमारा ये पैरदान कंप्लीट हो। ये देखिएगा साइड पे मैं सीधी सिलाई में ये 2 फिंदे कम कर लेती हूँ इस तरह से, 2 का 1 कर देंगे तो यहाँ भी चैन पड़ेगी। और उल्टी सिलाई में अब मैं इधर से कम करूँगी उल्टी सिलाई में। ये देखना अभी ये अब उल्टी उल्टी जाएगी पूरी इसी तरह से। ये देखिएगा साइड से जो मैं चैन बना रही हूँ ये इस तरह से 2 का 1 हो जाएगा इस तरह से। और अब हम ये भी उल्टी सिलाई है, ये इधर का मेरा सीधा है, तो यहाँ हम बीच में चैन बनाएंगे। ये देखिएगा बीच की जो चैन हम बना रहे हैं, चैन वाला हमने आगे साइड कर लिया। और ये 3 फिंदे एक इधर साइड से ले लिया, एक इधर साइड से ले लिया, और ये चैन बनती जाएगी हमारी आगे धागा करके उल्टा उल्टा। अब हम इधर से ये सीधे साइड से जा रहे हैं तो इधर हम 1 का 2 कर देंगे, 2 का 1 करके। और हमारी उल्टी सिलाई है, इसी तरह से हम फिर ऊन चेंज कर लेंगे। अभी देखना हम ऊन चेंज कर लेंगे, 4 सिलाई मैंने निकाल ली हैं, ऊन अब चेंज करेंगे। ये देखिएगा इस तरह से ये चैन बन रही है, और मैं अब ऊन चेंज करने जा रही हूँ। देखिएगा एक फिंदा मैंने उतार लिया, इसको मैं ऐसी सीधा सीधा बुन लूँगी इसी तरह से। उधर साइड पे हम चैन बनाएंगे तो 2 का 1 कर दूंगी। ये देखिएगा हमने 1 लाइन रेड से डाली है, 1 ब्लू से डाली है। इस तरह से हमें 4 लाइनें बनानी है, एंड में हाफ कली बनेगी मेरी, एंड में पूरा ख़त्म हो जाएगा। नीले से ख़त्म करना है तो नीले ही से ख़त्म होगा। ये देखो हमने कंप्लीट कर लिया है, और हमने ये देखो एंड करा था, हमने 2 लाइनें बताई थी आपको, इस तरह से हमने एंड कर दिया। ये हाफ कली जाएगी गोल में, इस तरह से हमने 6 कली बना ली हैं और इसमें जोड़ दिया है। बीच में यहाँ से हमने सिल दिया है, सिलना आपको बता ही दिया था। इस तरह से हमारा, आप चाहे तो बड़ा भी बना सकती हैं इससे, करीब 45 फिंदे का। ये हमने 30 फिंदे का बनाया है, आप 45 फिंदे का बड़ा बन जाएगा। ये मीडियम साइज़ है।